हेलो फ्रेंड्स, मैं नम्रता और आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको आज की वीडियो जो है ज़रूर पसंद आने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी स्किन से रिलेटेड। क्योंकि पूरे विंटर जो भी आपकी स्किन में ड्राइनेस की वजह से जो भी प्रॉब्लम हुई है या अभी भी प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को हम किस तरह से ठीक कर सकेंगे वेस्टीज के प्रोडक्ट के साथ, उस टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मैं नम्रता और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एनवेस्टीज में। पहला टॉपिक हमारा ये रहेगा कि कोई भी ड्राइनेस की वजह से अगर आपकी बॉडी पे प्रॉब्लम है, जैसे कि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है जिसकी वजह से बॉडी में इचिंग होती है, खुजलाहट होती है, वो प्रॉब्लम जो है वो क्यों होती है। दूसरा टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि ये प्रॉब्लम आपको अभी भी है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, अभी भी आपके बॉडी पे बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, खुजलाहट होती है अब भी, और उसकी वजह से निशान भी पड़ रहे हैं, और आपकी ये प्रॉब्लम 2 से 3 बार बॉडी लोशन लगाने के बाद भी ये प्रॉब्लम आपकी ठीक नहीं हो रही है, तो कैसे उस प्रॉब्लम को आप सिर्फ 4 से 5 दिनों में ठीक कर सकते हैं। टॉपिक जो होगा हमारा वो हमारे जो भी ड्राइनेस की वजह से दाग धब्बे पड़ गए हैं स्किन पे, बॉडी पे, उसे हम किस तरह से ठीक करेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं कि अगर आप दिन में 2 से 3 बार भी बॉडी लोशन लगा रहे हैं, उसके बावजूद आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है, खुजलाहट रहती है, इचिंग होती है, और कई बार तो ऐसा बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम पड़ जाती है कि बहुत ज़्यादा ब्लैक और रेड कलर के निशान पड़ने लगते हैं हमारे हाथों पैरों पे, लंबे लंबे रैसेस आने लगते हैं, तो ये प्रॉब्लम हमें क्यों होती है। फ्रेंड्स, इसका कारण होता है 2 सबसे बड़ी वजह होती है। सबसे पहला तो बहुत ही सिंपल सी वजह होती है जो हम लोग खुद हमारी मिस्टेक की वजह से होती है, हमारी गलती की वजह से होती है। सबसे पहला कारण होता है कि जब हमारा विंटर स्टार्ट होता है, जब हल्की हल्की ठंड लगना स्टार्ट होती है, हमारी बॉडी पर हल्का ड्राइनेस जब लगने लगता है, तो हम उसी टाइम बॉडी लोशन या मॉइस्चराइजर का यूज़ नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आप उसी टाइम बॉडी लोशन का यूज़ करना चाहिए, ये प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि ऐसे करते करते लगभग 15 दिन 1 महीना निकल जाता है, हम ध्यान नहीं दे पाते हैं और हमारी स्किन जो है अंदर तक बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से अगर उसके बाद आप स्किन की कितनी भी केयर कर लें, दिन में 4 बार भी बॉडी लोशन लगा लें, तो वो प्रॉब्लम आपकी पूरी विंटर ठीक होने वाली नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम आपको याद रखना है कि विंटर स्टार्ट हो तो आपको उसी टाइम, जब हल्की हल्की आपके हाथों पैरों में ड्राइनेस लगे, तो उसी टाइम आपको बॉडी लोशन, मॉइस्चराइजर जो भी है आपको अप्लाई करना है। इसके साथ ही अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली बॉडी लोशन का यूज़ करते हैं, तो उस टाइम भी आपको क्या होगा कि बॉडी पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी पॉल्यूशन जो वो आके चिपक जाएगी, और उससे भी आपकी बॉडी में खुजलाहट होगा, इचिंग होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेड स्किन भी जो है वो जमा हो जाएगी आपके बॉडी पर। ऑयली बॉडी लोशन यूज़ करने से भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। सही बॉडी लोशन का भी यूज़ नहीं किया है आपने, उस बॉडी लोशन को अगर आपको 2 से 3 बार लगाना पड़ रहा है, जो भी बॉडी लोशन आप यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो आपकी बॉडी को अच्छी तरह से अंदर तक नरिश नहीं कर पा रही है, मॉइस्चराइज नहीं कर पा रही है, तो वो बॉडी लोशन भी आपके लिए सही नहीं है। तो ऐसे में आपको ऐसे बॉडी लोशन का यूज़ करना चाहिए कि आपकी स्किन को, आपके बॉडी को बहुत अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कर दे एक ही बार में, जो कि 2 से 3 बार भी आपको यूज़ करने का ज़रूरत ना पड़े। तो फ्रेंड्स, ये हो जाता है हमारा पहला टॉपिक। तो दूसरे टॉपिक की बात करें फ्रेंड्स, कि अभी भी आपको अगर ये प्रॉब्लम है तो कैसे आप इसे 4 से 5 दिनों में ठीक कर सकते हैं। तो ये चाहिए फ्रेंड्स आपको 2 प्रोडक्ट, अशोर का हैंड एंड बॉडी लोशन और इसकी नीम कैप्सूल जो आती है वो चाहिए आपको। कैसे इसे आपको अप्लाई करना है, एक बार एक इतनी जो क्वांटिटी आप निकालेंगे कि आपको दोनों पैरों में हो जाए, उसमें आपको नीम की कैप्सूल का एक टैबलेट जो होता है उसको पंचर करके डालना है और अपने दोनों पैरों पर अप्लाई कर लेना है, और दूसरा हाथों पे लगाएंगे तभी आपको वही स्टेप करना है। यानी कि जब आप एक बार सुबह जब लगाएंगे तो आपको एक बार में 2 कैप्सूल जो वो लग जाएगी और शाम में भी, तो इस तरह से आपको यूज़ करना है। तो जैसे ही आप इस तरह से यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो 4 से 5 दिनों में ये प्रॉब्लम जो आपकी वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अशोर का जो नीम का सोप आता है आपको उसे यूज़ करना है। तीसरे स्टेप में आ जाता है आपको किस तरह से अगर आपके बॉडी पे ड्राइनेस की वजह से जो भी दाग धब्बे पड़ गया है, रेसेस जो हो गया है, काले या रेड कलर के निशान हो गए, तो उसे कैसे ठीक करें। तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा बॉडी लोशन की, बॉडी पॉलिशिंग है आपका एलोवेरा कुकुम्बर जेल। तो फिर बॉडी में जो निशान पड़ जाते हैं उसे ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर मैं जो स्टेप बता रही हूँ अगर इस तरह से आप यूज़ करेंगे तो इससे आप लगभग 20 से 25 दिनों में ये सारी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। आपकी स्किन में जो भी दाग धब्बे पड़े हुए हैं उसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो इससे करना क्या है, सबसे पहला स्टेप ये है फ्रेंड्स आपको बॉडी पॉलिशिंग स्क्रब, उसे आपको वीक में 2 बार स्क्रब करना है, और इसके साथ ही फ्रेंड्स आपको दिन में 2 बार अशोर के हैंड एंड बॉडी लोशन के साथ में जो एलोवेरा कुकुम्बर एलोवेरा जेल आता है उसे मिक्स करके
लगाना है अपने बॉडी पे। फ्रेंड्स, एसओ का जो एलोवेरा कुकुम्बर जेल है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इन सब चीज़ों को ठीक करने में, क्योंकि उसमें ऑलिव ऑयल है, एलोवेरा है एंड कुकुम्बर जेल है। तो ये आपकी बॉडी से जो भी टैनिंग वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक करने में हेल्प करता है, और जो भी अगर दाग धब्बे पड़े हुए हैं उससे बहुत जल्दी से ठीक करने में हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से स्किन को लाइट करता है, तो स्किन को आपको बहुत जल्दी ठीक करने में हेल्प करेगा। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है स्किन से रिलेटेड, और पूरे विंटर अगर आप परेशान रहते हैं तो इस तरह की सभी प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है अश्योर का ये हैंड एंड बॉडी लोशन। मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि अश्योर का हैंड एंड बॉडी लोशन आप ज़रूर यूज़ करके देखिए, और आप इसे 12 मंथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इस सभी प्रोडक्ट को यूज़ करके अपने स्किन से सारी प्रॉब्लम जो है विंटर की वजह से, ड्राइनेस की वजह से हुई है, उसे आप ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।